टोटल आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी है उसको चेंज कर सकते हो, अपनी ईमेल आईडी को डिलीट कर सकते हो इस वीडियो के जरिए, एंड एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड एक नई ईमेल आईडी बना सकते हो। कैसे? तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना एक प्ले स्टोर को ओपन करना है। एंड प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपकी सारी ईमेल आईडिया। ठीक है, आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी वो सिंपली आप इस एरो पर क्लिक करके आपकी सारी ईमेल आईडी देख सकते हो। लेकिन यहाँ से आपकी ईमेल आईडी डिलीट नहीं होने वाली, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फोन के होम बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा अपने फोन के जीमेल वाले ऐप पर। सिंपली इसको क्लिक कर देता हूँ मैं। जीमेल वाले ऐप पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है आपको। सिंपली सबसे पहले तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको जो भी ईमेल आईडी आपको डिलीट करना है ना, जो भी ईमेल आईडी डिलीट करना है उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लिया है जिसको मुझे जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल के आ जाएगा। ऊपर आप देख सकते हो थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको मैनेज अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, मैनेज अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सारे के सारे ईमेल आईडियाँ हैं ना, वो सब के सब यहाँ पर आ जाएगी। एंड यहाँ पर आपको कोई भी एक ईमेल आईडी आपको देखने को क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको रिमूव अकाउंट पर क्लिक करके आप रिमूव अकाउंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी को रिमूव कर सकते हो एंड यहाँ पर डिलीट कर सकते हो आपके फ़ोन से। आपने डिलीट करना है ईमेल आईडी को तो सीख लिया। अब बात आती है कि हमें न्यू अकाउंट कैसे बनाना है प्ले स्टोर के लिए, यानी कि न्यू आईडी कैसे बनाना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ेगा। एंड प्ले स्टोर ओपन करने के बाद पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। एंड ऐड अनदर अकाउंट पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो पासवर्ड होगा वो सबसे पहले मांगा जाएगा, जो भी आपने लगा रखा हो। तो हम तो सिंपल आदमी है, सिंपल ही लगाते हैं। मैंने खोल लिया एंड यहाँ पर आपको कुछ तो सामने जो इंटरफेस आएगा ये वाला। ठीक है, तो इस इंटरफेस के सामने आप क्या कर सकते हो कि मतलब यहाँ पर या तो आपके पास जो कोई ईमेल आईडी पहले से ऑलरेडी है वो यहाँ पर डाल सकते हो। एंड यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट ए न्यू अकाउंट का। आप चाहते हो कि न्यू अकाउंट बनाने के लिए तो सिंपली आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो फॉर माई सेल्फ एंड माई बिजनेस, फॉर माई सेल्फ के लिए मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप आसानी से अपना क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, जो भी डिटेल ये मांगता है वो सिंपली आपको डिटेल देना है। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात, तो जरूरी बात, अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता है ना तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप एक वीडियो को देख सकते हो जिससे आप आसानी से लिंक मतलब अकाउंट बनाने की से मतलब विधि होती है ना अकाउंट बनाने का, स्टेप बाय स्टेप आप आसानी से सीख सकते हो। बिकॉज मैंने पहले से ऑलरेडी काफ़ी अकाउंट बना रखे हैं यार, मैं भीड़ भाड़ नहीं करना चाहता, बहुत सारे एप्लीकेशन मतलब बहुत सारे अकाउंट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर वो अकाउंट बनने के बाद आपको प्ले स्टोर का अकाउंट चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है एंड नीचे आपकी जो भी होगा वो अकाउंट आ जाएगा। सिंपली आपको, जैसे कि मेरे पास अभी ये अकाउंट है तो सिंपली मैं इसको कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा प्ले स्टोर की जो आईडी है चेंज हो जाएगी, इसे आप चेंज कर सकते हो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। करने से पहले एक और बहुत ही जरूरी चीज़, आपको ये वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि कुछ ना कुछ हेल्पफुल टिप्स देता रहता हूँ मैं।